नहीं चाहते थे कि समाजवादी पार्टी में दो फर हों। हमने बहुत लगभग 40 साल काम किया है तो हम नहीं चाहते थे, लेकिन फिर जब सीमाएं पार हो गई अपमान करने की, और तो फिर जब उन्होंने मुझे वहां से पूरा मन बना लिया था भगाने का, हटाने का, तो फिर मजबूर होकर के हमने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को बनाया है। और ये जो समाजवादी थी तो अपने मूल सिद्धांतों से और लोहिया जी के आदर्श और सिद्धांतों से पूरी तरह से भटक चुकी है। जब आपने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बनाई तो ऐसा नहीं लगता समाजवादी आंदोलन के अन्य नेताओं को आपने भुला दिया है, केवल लोहिया जी ही रहेंगे साथ? ऐसा नहीं है। देखिए, लोहिया जी के विचारों पर ये हमारी पूरी पार्टी चलेगी। ये आपने एक कार्यक्रम में कहा कि अखिलेश यादव ने छल करके समाजवादी पार्टी हथिया ली, तो ये तो सब लोग जानते हैं, पूरे दुनिया जान चुके हैं। कैसा छल किया उन्होंने? चलिए, इस पर अभी मुझे जाने की जरूरत नहीं है, समय आने पर इस पर बहस होगी, चर्चा होगी, लोग करेंगे। एक लोगों का आक्रोश और है कि लोग कहते हैं कि आपने लक्ष्मण जैसे छोटे भाई की तरह फर्ज निभाया, लेकिन नेताजी आपके कार्यक्रम में भी नहीं आए, तो क्या मतलब आपको लगता है कि नेताजी से आपको उम्मीद थी ऐसी कि वो ऐसा करेंगे? देखिए, उस पर हमें अब कोई बात नहीं करनी है। शिवपाल जी कह रहे हैं कि भारतीय भी उनका सारा ध्यान अपनी 9 तारीख को होने वाली रैली पर है। ईटीवी के लिए लखनऊ से अखिलेश तिवारी।